तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एडिटेरिया पब्लिकेशन के जो कि द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट आए हैं। टोटल इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं और इसके जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। इस पे जो है प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन तिथि जो है ये 26 नवंबर को मनाने की घोषणा की गई। तो 26 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है। ऑपरेशन उपलब्ध की बात करें तो ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये रेलवे टिकट कालीबाजारी करने वालों के गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ के द्वारा जो है ऑपरेशन उपलब्ध की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरपीएफ के द्वारा जो है ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया और ये जो है रेलवे टिकट कालाबाजारी को रोकने के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से जो है ये वहीदा रहमान को जो है सम्मानित किया गया। तो वहीदा रहमान ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वहीदा रहमान। इनको जो है 2021 में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से जो है 1967 में सम्मानित किया गया था। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें ये जो है देविका रानी को दिया गया था, जो कि 1969 में दिया गया था, और 2017 में विनोद खन्ना को, 2018 में अमिताभ बच्चन को, रजनीकांत को 2019 में, और 2020 में जो कि आशा पारेख को दिया गया था। तो आप लोग सारे पॉइंट को जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक जो कि एम एस स्वामीनाथन थे, इनका निधन हो गया है। उन्हें 21 वर्ष खाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खाद पुरस्कार से जो है 1987 में एम एस स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया था। और एम एस स्वामीनाथन जो थे ये भारतीय हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, और इन्होंने जो है 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी थे। ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो यह जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और 2023 में पहले स्थान पर जो है ये सिंगापुर रहे, और भारत का स्थान जो कि 2023 में 38वां रहा था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा, भारत का स्थान 2023 में 38वां रहा था लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव का आयोजन किया गया। गज उत्सव का आयोजन जो है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसमें जो है 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया था, और काजीरंगा जो है ये असम में है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा, और ये जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है टोटल 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, और ये 6 कौन कौन है। श्री बालकृष्ण दोषी, श्री जाकिर हुसैन, श्री एस एस कृष्ण, श्री दिलीप महानलोविश, श्री निवास वर्धन और श्री मुलायम सिंह यादव। ये 6 को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि 15वां वृक्ष शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। 15वां वृक्ष शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन की बात करें
यह जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 2009 में किया गया था, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में किया गया था। और ब्रिक्स में जो है टोटल 5 देश हैं। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 की बात करें, 2023 में जो विजेता उप विजेता थे ये मेघालय थे, उप विजेता जो कि मेघालय थे ऑप्शन बी। और 2023 में जो है इसका 76वां संस्करण हुआ था और इसमें विजेता टीम जो थी वो कर्नाटक थी, उप विजेता महाराष्ट्र और विजेता जो थी ये कर्नाटक थी। तो ये दोनों पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी ने आप प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आप प्रहरी मोबाइल ऐप की बात करें तो यह जो है आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दिल्ली ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है आप प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और यह जो है शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए आप प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है। द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक जो है ये फिरोज गांधी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज गांधी। तो चलिए मैं कुछ पुस्तक के नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। माई लाइफ एज ए कॉमरेड जो कि के सलीजा की पुस्तक है, और द गोल्डन ईयर्स जो कि रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, क्रॉस कोर्ट जो कि जगदीप मुखर्जी की पुस्तक है, और विक्ट्री सिटी जो कि सलमान रुश्दी की पुस्तक है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट को जो है याद रखिएगा। कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। कोली लोक नृत्य का संबंध जो है ये महाराष्ट्र राज्य से है। महाराष्ट्र ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है ये जिनेवा में स्थित है। तो जिनेवा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनेवा में जो है 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। मैं कुछ संगठन का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जो कि रोम में है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि वाशिंगटन डीसी में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि जिनेवा में है, और विश्व व्यापार संगठन ये भी जो है जिनेवा में है। अगला प्रश्न है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई। कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना जो है ये 2000 ईस्वी में किया गया था। तो 2000 ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ मैं परमाणु गृह का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नरोरा परमाणु विद्युत गृह जो कि 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। काकरापाड़ा विद्युत गृह जो है ये 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। कैगा की स्थापना 2000 में और कोडनकुलम की स्थापना जो है ये 2013 में की गई थी। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चेकमेट बिशप तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है। चेकमेट बिशप और गैम्बिट का संबंध जो है ये शतरंज से। शतरंज ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुश्ती जो कि हीव का संबंध कुश्ती से है। चेजे जो है खो खो से है। स्विंग की बात करें तो ये क्रिकेट से है। क्यू जो कि बिलियर्ड से है। और रिंग गार्ड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिंग गार्ड जो है यह बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारण जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है, यह जो है सरकार की राजकोषीय नीति का है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। बजट जो है यह प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की प्राप्तियों और व्ययों को विवरण देता है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से मिलान के लिए इसमें दिया हुआ है ओपन जनरल लाइसेंस। ओपन जनरल लाइसेंस की बात करें तो यह जो है विदेशी व्यापार से संबंधित है। ट्राइसेम की बात करें, ट्राइसेम जो है ये रोजगार से संबंधित है। और थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो यह जो है मुद्रास्फीति से संबंधित है। नकदी रिजर्व अनुपात जो कि ऋण नियंत्रण से संबंधित है, यानी ए का 2
और दो का एक, ये जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओपन जनरल लाइसेंस जो कि विदेशी व्यापार से संबंधित है, प्राइसेम जो कि रोजगार से संबंधित है, थोक मौल्य सूचकांक जो कि मुद्रास्फीति से संबंधित है, और नकदी रिजर्व अनुपात जो कि ऋण नियंत्रण से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट को जो है आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये हायरा-डोमर मॉडल पर आधारित था। तो हायरा-डोमर मॉडल इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह जो है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। प्रथम योजना में मुख्य प्राथमिक जो है इसमें मुख्य प्राथमिकता जो है ये कृषि और इसमें सिंचाई क्षेत्र को दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चला था, और इसमें जो है पीसी महालोविस मॉडल पर आधारित था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति का प्रारंभ ये दिया गया है। हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो हरित क्रांति का शुरुआत जो है ये 1966 से 1967 में हुआ था, 1966 से 1967। अगला बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 14 बैंकों का ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था, 1969। और गरीबी हटाओ की बात करें तो यह जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इसका नारा दिया गया था, और यह जो है 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 1971। यानी सबसे पहले हो जाएगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, गरीबी हटाओ 1971। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है। पारिस्थितिक संतुलन से संबंध की बात करें तो जल प्रबंधन, वन रोपण, वन्य जीव सुरक्षा ये सभी जो है वो प्राकृतिक संतुलन से संबंधित है, परंतु औद्योगिक प्रबंधन जो है ये प्राकृतिक संतुलन से संबंधित नहीं है। अगर उनमें यानी विद्रोहों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपर्युक्त टिप्पणी किसने की थी? ये जो टिप्पणी है ये जॉन लॉरेंस का था। इन्होंने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में, अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते, जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जनक जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है भारतीय न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। इन्होंने जो है प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी, और यह जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई थी। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह में दबाया था। पीर अली के हुए विद्रोह में जो है दबाया गया था ये कमिश्नर टेलर थे। इनके द्वारा जो है पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमिश्नर टेलर। और ये जो विद्रोह हुआ था ये 3 जुलाई 1857 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वां अधिवेशन जो कि गया में हुआ था उस अधिवेशन में अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो कि गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है ये देश बंधु चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। और ये जो है कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था जो कि 1922 में हुआ था, 1922 में गया अधिवेशन जो कि 37वां अधिवेशन था कांग्रेस का, और ये जो है 1922 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो कि देश बंधु चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए
और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। मोपला विद्रोह की बात करें, मोपला विद्रोह की बात करें तो यह जो 1921 में हुआ था। 1921 जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और चौरी चौरा घटना की बात करें, चौरी चौरा घटना जो है ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की बात करें तो 1918 में जो है इसकी समाप्ति हुई थी और प्रारंभ जो है 1914 में हुआ था। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति यानी 4, उसके बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 2 यानी 4-2 जो है ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह 1921, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, चौरी चौरा घटना 1922 और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो कि 1918 है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था। बिहार के भागलपुर में जो है असहयोग आंदोलन के कारण जो है इसी के दौरान झंडा कांड हुआ था और फरवरी 1922 में जो है झंडा कांड हुआ था। इसमें जो है भागलपुर में औद्योगिक प्रदर्शन के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया था, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी। हालांकि इस मामले में अहिंसक तरीके से जो है सुलझा लिया गया था। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम सजाना है। यहाँ पे बात करें तो तीर्थ यात्रा करके समाप्ति की बात करें तो यह जो है 1563 में हुआ था। तीर्थ यात्रा करके समाप्ति। दास प्रथा के अंत की बात करें, दास प्रथा का अंत जो है ये 1562 में हुआ था। और जजिया कर की समाप्ति जो है ये 1564 में हुआ था। और दशाला प्रणाली लागू किया गया था ये 1582 में किया गया था। यानी सही क्रम इसका सजाना है तो सबसे पहले जो है दास प्रथा का अंत हो जाएगा, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, फिर जजिया कर, फिर दशहरा। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दारा शिकोह किस सूफी मंत के प्रभावित था। दारा शिकोह की बात करें, यह जो है कादेरी संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने जो है कादेरी संप्रदाय से प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर जो है तीन भागों से विभाजित हड़प्पाकालीन नगर जो है ये धौलावीरा था। धौलावीरा ये जो है तीन भागों से विभाजित था, जो कि दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला भाग, ये तीन भाग से घिरा हुआ था, विभाजित था। अगला है और हड़प्पा की बात करें तो इसकी जो खोज है, सॉरी धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा की खोज जो है ये 1967 में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। यह जो है सिंधु लिपि की 10 बड़े चिन्हों के साथ साइन बोर्ड तथा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण जो है बौद्ध संघ अस्थावीर एवं महासंघीय में विभाजित हो गया। दो भागों में जो है ये द्वितीय और बौद्ध संगीति में विभाजित हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो यह जो है कालाशोक के समय में 383 ईस्वी में वैशाली में हुआ था और यह जो सभा कामी की अध्यक्षता में हुआ था। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षुओं में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण जो है अस्थावीर एवं महासंघिक में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। संस्था एवं संचार का संबंध जो है ये गुप्तचर व्यवस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रशासन में संस्था एवं संचार का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से है। संस्था के अंतर्गत जो है गुप्तचर एक स्थान पर रहकर एवं संचार के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमकर अपना कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है। मेगास्थनीज के द्वारा जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था, जो कि दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक एवं समासद, ये जो है 7 वर्गों में बांटा गया था, लेकिन क्षत्रिय वर्ग इसमें शामिल नहीं था। तो क्षत्रिय ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है।
भारत और श्रीलंका के मध्य जो है ये रामेश्वर द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वर द्वीप स्थित है और यह जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। यह भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका तक विस्तृत राम सेतु श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रथम पतन था। लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रथम पतन की बात करें, ये जो था मारवा गांव था। मारवा गांव ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो मारवा गांव है ये लौह अयस्क निर्यात करने वाला प्रथम पतन था। यह पतन जो है गोवा राज्य में स्थित है। यह पतन जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह जो है निर्यात प्रधान पतन है और इसकी उद्घाटन जो है ये 1963 में किया गया था। इसके उद्घाटन जो कि 1963 में किया गया था। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ये मेडागास्कर द्वीप है और इसकी क्षेत्रफल 226,658 वर्ग मील है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार की डेल्टा है। गंगा के डेल्टा की बात करें तो गंगा के डेल्टा जो है ये चापाकार डेल्टा है। चापाकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है त्रिभुज के आकार का है और ये जो है काफ़ी उपजाऊ होता है। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। और इन्हें जो है ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है जो कि हुगली नदी से पूर्व में मेघना नदी तक फैला हुआ है। बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा इस डेल्टा में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है। अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे जो है स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन जो कि फोन है। फोन जो है ये स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पर होता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो है ये अधिकेंद्र पर होता है। अधिकेंद्र की बात करें तो भूकंप का उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर हुआ बिंदु है जहाँ पर विक्षेप शुरू होता है। अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा भूकंप बेल्ट परिधि प्रशांत भूकंपीय बेल्ट है। सबसे बड़ा भूकंप केंद्र जो कि परिधि प्रशांत भूकंपीय केंद्र है। प्रशांत बेल्ट को जो है रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर उपनाम से जो है प्रशांत बेल्ट को जाना जाता है। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निहारिका क्या है। निहारिका की बात करें निहारिका जो है निहारिका एक तप गैस का बादल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तप गैस का बादल। अगला है सुमेलित सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। वन्य जीव अभ्यारण दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है स्टेट दिया हुआ है। नामदफा की बात करें नामदफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार जो कि केरल में स्थित है। बांदीपुर की बात करें बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में स्थित है। लामजाओ की बात करें लामजाओ जो है ये मणिपुर में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश यानी ए का दो और पेरियार केरल दो का चार, बांदीपुर कर्नाटक तीन का ए यानी ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पेरियार केरल, बांदीपुर कर्नाटक, लामजाओ मणिपुर। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है। संघीय सरकार की प्रमुख विशेषता जो है संविधान की सर्वोच्चता, ये जो है संघीय सरकार की प्रमुख विशेषता है। दो या अधिक स्तरों वाली सरकार, ये भी जो है संघीय सरकार की विशेषता है। साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो है ये संघीय सरकार की विशेषता है। परंतु आपातकालीन प्रावधान जो है ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है बल्कि यह जो है एकात्मक सरकार की विशेषता है। तो ऑप्शन एक दो तीन यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। तो अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 का संबंध जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 22 में वर्णन है।
अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव व्यापार हुआ वाला आश्रम पर निषेध जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णन है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाता है। ये जो है राज्य सरकार की सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाता है, ये जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति, और यह जो अनुच्छेद 315 के 4 के तहत किया जाता है, जो कि भारत के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा के आयोग को सौंप दिया जाता है। अगला है निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या असत्य है। सत्य की बात करें तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, ये जो है सही है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी बात जो है सही है, परंतु इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये जो बात है ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। राज्यसभा में जो है टोटल 8 सदस्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं, तो 8 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) में इसका उपबंध है। और टोटल राज्यसभा के सीट की बात करें, टोटल जो है राज्यसभा में सीटों की संख्या जो कि 250 है, 250 टोटल सीटों की संख्या है राज्यसभा में, उसमें से राज्यसभा के सदस्य जो है 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से वर्तमान में 245 हैं और कुल संख्या जो है अधिकतम वो 250 है, और 245 में से 225 राज्य से आते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आते हैं, और 12 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य एवं सामाजिक क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। एससी के लिए जो है अनुसूचित जातियों के लिए टोटल 6 सीटें आरक्षित की गई है, तो 6 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टोटल जो सीटों की संख्या है लोकसभा में बिहार में ये 40 है, उसमें से जो है 40 में से 6 जो है एससी के लिए रखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों के पूर्व सूचना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है, तो 14 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। ये जो है 1989 में किया गया था, जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। अगला प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन का संबंध जो है ये 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, इसका जो आवर्धन होता है वो 1 से कम होता है। वाहनों में लगे रियर व्यू और मिरर का उत्पन्न आवर्धन जो होता है 1 से कम होता है। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं। जब हम बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम जो है उपयोग हुए ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयोग हुए ऊर्जा का भुगतान। अगला प्रश्न है कि एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए जो है इसका जो है श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंखला क्रम में। अगला प्रश्न है कि एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। जब वो लड़की खड़ा हो जाएगी झूला पर तो उसका दोलन का आवर्तकाल जो है ये कम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है। रॉकेट की बात करें तो रॉकेट जो है ये गति के न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन गति का तीसरा नियम।
न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है ये कहता है, न्यूटन के तीसरा नियम कहता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसी कारण है कि एक रॉकेट बहुत तेज वेग से गैसों को बाहर निकालता है और सम्यक संरक्षण सिद्धांत के कारण जो है रॉकेट आगे की ओर धकेला जाता है। इस प्रक्रिया में न्यूटन का गति का तीसरा नियम कार्य करता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक जूल का कार्य एक सेकेंड में किया जाता है और इसमें जो है शक्ति होती है। एक जूल का कार्य एक सेकेंड में जब किया जाए तो इसमें शक्ति जो होगा वो एक वाट का होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक वाट। एक हर्ज होता है, एक हर्ज की बात करें तो एक हर्ज जो है ये प्रति मिनट 60 कंपन होता है। प्रति मिनट 60 कंपन जो है एक हर्ज होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक जो है एरिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सभी जो है एंटीबायोटिक है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। माइग्लोबिन की बात करें तो माइग्लोबिन में जो है ये लोहा धातु होती है। लोहा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है उत्पाद की बात करें, उत्पादक की बात करें, उत्पादक में जो आते हैं पेड़ पौधे शैवाल आते हैं, तो ये बात जो है ये गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें, प्राथमिक उपभोक्ता में जो है बकरी हिरण ये सभी आते हैं, तो ये भी बात जो है और ये गलत है। गौण उपभोक्ता, गौण में बात करें, गौण में जो आते हैं गौण उपभोक्ता में ये घास नहीं आते, तो ये भी बात जो है गलत है। अब घटक की बात करें, अब घटक में जो है बैक्टीरिया आते हैं, तो ये जो बात है ये सही है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद विषाक्तजन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। एफ्लोटॉक्सिन खाद विषाक्तजन के द्वारा जो है ये यकृत प्रभावित होता है, तो यकृत ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत की बात करें तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका भार जो है लगभग 1500 ग्राम होता है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शुष्क स्थानों यानी मरुस्थल बर्फीले में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। शुष्क स्थान में उगने वाले पौधों को जो है जीरोफाइटा कहा जाता है। जीरोफाइटा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइलोफाइटा जो कि नमक युक्त मिट्टी में पौधे उगते हैं, हाइड्रोफाइटा जो कि जलीय क्षेत्र वाले पौधे हैं, और सेक्लुसेट की बात करें, सेक्यूलेंट की बात करें, सेक्यूलेंट जो है ये पौधों का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलरा की बात करें तो यह जो है जल जन्य रोगों का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल जन्य रोगों का उदाहरण। मानव आंखें किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव होता है। ये जो है 55 एंगस्ट्रम के तरंगदैर्ध्य में मानव आंखें तरंगों का प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में जो है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। आयोडीन की बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन मिली होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन विषन जो से है, टेस्टोस्टेरोन विषन तथा इंसुलिन जो कि फ्रैकियाज से स्रावित होने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। पौधों में पानी की बात करें तो यह जो है जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। तो जाइलम ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्लोएम के द्वारा जो है खाद्य पदार्थों का पहुंचाया जाता है। खाद्य पदार्थ को फ्लोएम के द्वारा और जल पदार्थ एवं खनिज को जो है जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी है। सबसे मीठी चीनी जो कि फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रुक्टोज जो है ये सबसे मीठी चीनी है। अगला है कि सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। शून्य द्रव्यमान की बात करें, शून्य द्रव्यमान जो है ये न्यूट्रॉनों से संबंधित है। न्यूट्रोनों कण की जो है शून्य द्रव्यमान। आंशिक आवेश जो है, आंशिक आवेश ये क्वार्क है। आंशिक प्रचक्रण जो कि पॉजिट्रॉन है, और पूर्ण प्रचक्रण जो कि फोनॉन है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। निर्वात में ध्वनि की गति की बात करें तो निर्वात में ध्वनि की गति जो होती है ये शून्य होती है, तो शून्य हो जाएगी जो कि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। निर्वात में जो ध्वनि है ये गमन नहीं करती है, यानी इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। मूल तत्व की बात करें तो मूल तत्व जो है ये हीरा है। हीरा जो है एक मूल तत्व है और हीरा जो है ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। विस्फोटक की बात करें ट्राइनाइट्रो ट्रोलुइन जो है ट्रोलुइन ये विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक है। साइक्लोटाइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोनाइट्राइमीन ये जो है विस्फोटक है। लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म की बात करें नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये एक सूक्ष्मजीव रोधी कीटनाशक कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फायर अलार्म जो है ये फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। फायर अलार्म में फोटो सेल का प्रयोग। अगला प्रश्न है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच की जाती है, ये फिल्टर पेपर किस पेपर पर की जाती है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की जाँच जो की जाती है ड्राइवर की, ये पोटेशियम ट्राई क्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल पेपर पर जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है फिल्टर पेपर पर किया जाता है, जो कि पुलिस द्वारा नशे में से चलाने वाले गाड़ी के ड्राइवर को पता लगाता है। अगला प्रश्न है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना जो है ये श्यानता के कारण होता है। श्यानता ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमने सेट नंबर 5 को कवर करा दिया है, जो कि टोटल 75 जीके जीएस के प्रश्न थे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग जो है इसे लाइक कर देंगे, साथ ही कमेंट में आपको ये बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग सेट नंबर 6 को अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। फ्रेंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।